धान खरीदी को लेकर मनो उप समिति की अहम बैठक आज रायपुर के सरगुजा कुटीर में हुई। बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने की। इस बैठक में असमय बारिश के कारण प्रभावित उपार्जन केंद्रों की स्थिति, बारदाने की उपलब्धता, धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग एवं धान परिवहन, संग्रह, भंडारण तथा रख रखाव के मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम सहित अन्य लोग मौजूद थे। सर, बैठक हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? ये जो धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की आज बैठक थी, उसमें माननीय प्रेम साय सिंह जी, माननीय अमरजीत भगत जी, इन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हुई है। गत वर्ष 92 लाख मेट्रिक टन के धान की खरीदी हुई थी। इस बार का हमारा लक्ष्य 1,05,00,000 मेट्रिक टन धान खरीदी किया जाना है। आज दिनांक तक 58 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और बारदाने का भी इस समय कहीं कोई शॉर्टेज या कोई कमी की जानकारी नहीं है। अब इतना बारदाना पर्याप्त हमारे पास आ चुका है कि आने वाले समय में जो किसानों से लिया जा रहा था उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 जिलों की जानकारी आई थी कि आ समय वर्षा होने से जो धान भीग गया था, तो उसके बारे में समिति ने यह तय किया है कि वहाँ के जो जिला कलेक्टर और DMO और DR कोऑपरेटिव, इन तीनों को नोटिस जारी किया जाना है। और वो जो जिले हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि बेमेतरा जिला, कवर्धा जिला, राजनांदगांव जिला, धमतरी जिला, महासमुंद जिला और रायपुर जिला, इनसे ये जानने के इनको नोटिस इसलिए दिया जाएगा कि जब सारे जिलों में कैप कवर खरीदी के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई थी और कैप कवर वो खरीद भी लिए, तारपोलिन वगैरह की खरीदी हो गई थी, उसके बाद भी धान यदि भीगा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ये नोटिस भी उनको जारी किया जाएगा और जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ पूछना है तो बताओ। कितना धान था सर टोटल जो भीगा है? 38,000 टन। हाँ, लेकिन उसके साथ ये भी है कि उसको पलटा के और सुखा के मिलर को दे दिया गया है, क्षति नहीं है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो इस कारण से नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन क्षति का कोई उसमें नहीं आया सामने। ट्रांसपोर्टिंग होते रहे, इसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि ट्रांसपोर्टिंग ना होने के कारण जो है, देखिए ट्रांसपोर्टिंग भी एकदम सतत रूप से ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा है, DO भी काट दिए गए हैं और FCI में भी चावल जमा हो रहा है, लेकिन FCI में चावल जमा होने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन पूरा प्रयास हो रहा है कि समय पर हो जाए। ठीक, थैंक यू।